हेलो फ्रेंड्स, अपना अंगूठा यहाँ पर चिपकाएं, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबाएं, ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। कल से मैंने बिल्कुल व्लॉगिंग नहीं करी क्योंकि कल से थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही थी। ये डिफ़ॉल्ट हाई कर रहा है, थोड़ा सर में दर्द हो रहा था, बट थोड़ा मैं लेट ही, लेकिन फिर भी ठीक नहीं लगा। बार बार लग रहा था वॉमिटिंग सेंसेशन जैसी आ रही थी, तो थोड़ी देर लेट ही, फिर भी सेट नहीं हुआ। फिर शाम को मैंने सोचा थोड़ा वर्कआउट कर लेते हैं, थोड़ा सेट हो जाएगा। कभी कभी लगता है ना कि फ़िज़िकल वर्कआउट से भी काफ़ी सारी जो चीज़ें ठीक हो जाती है। तो मैं स्विमिंग के लिए गई और स्विमिंग करते करते भी मुझे जैसे रेगुलर कर रही थी मैं वैसे नहीं हो पा रहा था। बहुत ज़्यादा सांस फूल रही थी, बहुत जल्दी थक जा रही थी। पता नहीं जब सर दर्द होगा शायद इसकी वजह से, तो बहुत डिस्कम्फर्ट सा लग रहा था। तो फिर रात तक थोड़ा सेट हो गया सब कुछ। अभी हम जा रहे हैं डी मार्ट। बाहर का क्लाइमेट देख रहे हैं आप कितना मस्त है, एकदम बहुत ही बारिश वाली सी। सुबह से तो बहुत बारिश आ रही थी, गरिमा देख के जब आ रही थी स्कूल जा रहा था तब बारिश नहीं आ रही थी। तो उसके जाने के बाद जो है बारिश शुरू हुई, क्योंकि उससे पहले शुरू होती तो उसका तो छुट्टी का प्लान बन ही जाना था, और इन्होंने भी रोक देना था कि इतनी बारिश। मतलब एकदम बोलते ना कि अभी ऐसा क्लाइमेट हो गया है कि लगातार एक दो दिन बारिश होगी, साइक्लोन टाइप का पकड़ लिया है। अभी भी बारिश हो ही रही है, थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग हो ही रही है। एंड मैंने यही वाला कुर्ता पहना है जो मैंने मिंत्रा से लिया था, एंड बाल जो है मैंने छोटी बना दी क्योंकि शॉपिंग के टाइम पर कैसे भी खूब पसीना आने वाला है करके। और डी मार्ट आज हम इसलिए जा रहे हैं, मैंने हस्बैंड को बोला, क्योंकि बारिश के टाइम पे ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, शायद मेरी एक्सपेक्टेशन है ऐसी। वरना तो डी मार्ट में इतनी भीड़ होती है, शॉपिंग का टाइम जितना लगता है उससे ज़्यादा टाइम तो बिलिंग में लग जाता है। तो आई वाज लाइक चलो बारिश है, कंपेरेटिवली शायद थोड़े कम लोग हो सकते हैं हाँ शॉप के। तो इस जैसे ये सो के उठा फिर हम लोग रेडी हो गए। तो अभी करीबन 11:30 हो रहे हैं, हम बोला चलो लंच टाइम तक एक आध घंटे में जो भी है हो जाएगी और लंच टाइम तक घर पे आ जाएंगे। खाना वाना तो बन चुका है। तो ये है, और मेरे जो बाल है आपको चिपकू लग रहे होंगे, तेल तो नहीं लगाया मैंने, थोड़ा स्प्रे किया था और उसके बाद सीरम लगाया, फिर पसीना आ रहा था ऐसी कंघी मार दी मैं, जब अपने आप सूखते रहेंगे। वैसे तो सूखे ही हैं बाल। बेबी योगे बेबी तो ये पोस्टर दिखा रहा है कि बेबी का जो है पोस्टर लगा हुआ है हमारे तेलुगु मूवी का। तो चलिए चलते हैं डी मार्ट में। तो वैसे तो ग्रॉसरी लेने के लिए जाते हैं हमेशा, और पता नहीं क्या क्या लेके आ जाते हैं। कुछ कुछ ऑर्गेनाइज़र दिख जाते हैं, कुछ डेकोरेटिव आइटम भी कुछ ना कुछ दिखते हैं। तो डी मार्ट में जाने के जब जाते हैं ना तो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल में रखना पड़ता है कि कुछ ज़्यादा ना ख़रीद लें, ज़्यादा खर्चा ना हो जाए। तो लेट्स सी व्हाट ऑल वी शॉप टुडे। सो देख रहे हैं आपके क्लाइमेट कितना खूबसूरत लग रहा है, बारिश की बूंदें एंड ये वाइपर का चलना एंड हमारा बाहर जाना। सो अभी देखिए और भी अच्छा लग रहा है, एंड बादल देखिए कितने साफ दिख रहे हैं। सो जब बारिश होती है तब तब लगता है कि एक लॉन्ग ड्राइव पे पक्का जाना चाहिए। आइनॉक्स मूवी थिएटर है, इसमें हम बहुत ही रेयरली गए हैं बिकॉज इसकी सीटिंग इतनी ज़्यादा परफेक्ट लगती नहीं है, स्क्रीन के बहुत ज़्यादा नज़दीक रहती है लास्ट वाली सीट भी। सो अब हम पहुंच चुके हैं डी मार्ट में, एंड जैसे मैंने गेस किया था कि तादाद थोड़ी कम होगी, तो लोग तो थे लेकिन उतने ज़्यादा नहीं थे कि चलना मुश्किल हो जाए, कंपैरेटिवली थोड़े से कम थे। तो यहाँ पे जो है चेकिंग होती है, एंड अंदर जो हम बैग भी लेके जाते हैं हैंड बैग, उसके जिप में भी ये लोग लॉक लगा देते हैं। तो बड़ी मुश्किल हो जाती कि फ़ोन को अगर अंदर रख लिया है तो बाहर नहीं निकाल सकते, और अगर बाहर है तो पर्स में नहीं डाल सकते। तो अभिषेक जो है इनके साथ घूम रहा है, थोड़ी देर इसमें घूमा और उसके बाद जो है वो ट्रॉली हमने ले ली थी उसमें बिठा दिया था उसको, क्योंकि इतनी देर जो है बच्चे घूम नहीं सकते हैं, थोड़ी देर टाइम पास करते हैं खाली। तो यहाँ पे मैं
सामान लेना शुरू कर रही हूँ। तो जैसे ही एंटर किया तो सबसे पहले जो है ये स्नैक आइटम्स रखे हुए थे, बिस्किट्स, वैफ़ीज़, वो सारे होते हैं। तो वैफ़ी के जो पैकेट्स होते हैं बच्चों को बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को, इसलिए मैंने ले लिया। एंड डिफरेंट डिफरेंट बिस्किट्स ले लिए। एंड यहाँ पे थी चाय पत्ती जो ख़त्म हो चुकी थी, मेरे हस्बैंड कल ही एक लेके आए थे, लेकिन फिर भी मैंने जो है एक और भी ले लिया। तो जब भी मैं ऐसे डी मार्ट में या कहीं पे आती हूँ ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, तो कम से कम 2-3 महीने के लिए सफिशिएंट ले लेती हूँ। तो इसी चक्कर में क्या होता है कि 2-3 महीने तक जब मैं लेती नहीं हूँ, जब एकदम एंड पॉइंट पे आ जाता है, तो फिर एक तो भूल भी जाते हैं कि आइटम्स ख़त्म होने वाले हैं, और ख़त्म भी हो रहे होते हैं तो सोचते हैं चलो जाएंगे जाएंगे जाएंगे, और जब तक प्लान करते हैं तो उससे 1-2 दिन जो है आगे पीछे हो ही जाता है। यहाँ पे मैं नूड सूप जो होते हैं, चिकन सूप ले रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि आदित्य को बहुत पसंद है। तो आदित्य तो स्कूल गया हुआ है करके हम इसको लेके आ गए, क्योंकि दोनों को एक साथ ऐसी जगह पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तो यहाँ पे ये ट्रॉली में बैठा है, लेकिन जब आदित्य होता है तो दोनों भागा दौड़ी मचाते रहते हैं, तब बस सामान खरीदो और थोड़ी देर उनको ढूंढो, ये 2-in-1 चलता रहता है। तो एक के साथ आते हैं तो वो इतनी टेंशन नहीं रहती है। एंड मैंने अभिषेक के लिए डायपर्स लेना बंद कर दिया था, 1 महीने तक मैंने नहीं लिया, बट वो कभी कभी टॉयलेट जो है कर दे रहा था बेड पे। ऑल दो वाटरप्रूफ शीट लगा रखी है मैंने, इसलिए मेरा जो मैट्रेस है वो बच जाता है, बट इस बार मैंने ले ही लिया, क्योंकि हम बेशक मैट्रेस बच जाए, मैं उसके बाजू में सोती तो मुझे गीला कर दे रहा था वो कभी कभी, एवरी डे ही वॉज़ नॉट डूइंग दैट, बट कभी कभी। एंड हम नीचे पूरी शॉपिंग हो गई थी ग्रॉसरी की, ऊपर आए हैं जहाँ पे स्टेनलेस स्टील के आइटम्स या बर्तन एंड कर्टेन सब जो है यहाँ पे थे। तो हमने देखा कि कर्टेंस वर्टन्स लेते हैं, फिर नहीं लिया हमने। एंड पूरी शॉपिंग में हमको 2 घंटे लगे एंड बुरी तरह थक चुके हैं। एंड अभिषेक ने वहाँ पे एक छोटी सी कार सेलेक्ट करी, हम बिलिंग कराने लगे तो बोलता नहीं चाहिए, और फिर घर पे आके वही कार मांगने लग गया। एंड गरिमत है कि ये वाली जो कार है अभिषेक के बर्थडे पे कि आदित्य के बर्थडे पे आई थी। तो जो भी रिमोट कार्स अभी तक खरीदी है या गिफ्ट में आई है, एक भी सही नहीं चल रही, क्योंकि सारा जो है आदित्य ने ख़राब कर दिया है। अभिषेक जो है ओनली बस ऐसे हाथ में पकड़ के चलाता है, लेकिन आदित्य पता नहीं उसको क्या क्या, उसके नट खोलता है, स्क्रू ड्राइवर मिल जाए तो कुछ ना कुछ करता रहता है। तो लकीली मुझे याद आया कि मैंने ये टॉय जो है ऊपर आराम से मतलब संजो के रखा हुआ है, तो वो इतना रो रहा था, फिर मेरे को याद आया तो मैंने निकाला। एंड रिमोट और इसके जो ये रिचार्जेबल बैटरी रहती है इसके अंदर, चार्ज करने से जो है रिमोट टाइप चलती है, लेकिन वो मैंने वापस रख दिया क्योंकि रिमोट की चार्जिंग करनी पड़ती है। एंड आदित्य आ जाएगा तो वो इसको भी सिखा देगा वो हल्ला करना करके, तो मैंने रिमोट फिर छुपा दिया उसके आने से पहले। एंड उसको कार देने के बाद जो है उसने आते आते रास्ते में एक बिस्किट पैकेट डार्क फैंटेसी का पूरा ख़त्म कर दिया था, तो ही वॉज़ नॉट फीलिंग टू ईट इमीडिएटली। तो हमने सोचा पहले हम खा लेते हैं, तो इसलिए मैं खाना परोस रही हूँ यहाँ पे। एंड मैंने ड्रेस चेंज नहीं करी है, बिकॉज़ आई वॉज थिंकिंग कि मैं एक और वीडियो आज शूट कर लूँगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आज मैंने खाने में बनाई थी एग करी एंड पतली वाली दाल। तो खाने के बाद बाहर शॉपिंग से आने के बाद थोड़ा ऐसा टेस्टी खाना मिल जाए तो फिर तो बात ही क्या है ना। तो हमने आने के बाद जो है आराम से बहुत इत्मीनान से खाना खाया जो बहुत टेस्टी था, और मैं इतना थक गई थी कि मैं इसके बाद सो गई थी। तो यहाँ पे हम खा रहे हैं एंड बहुत लोग बोलते रहे थे कि आप जब एक दूसरे को खिलाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। एंड कुछ लोग तो उसके ऊपर भी कमेंट करने लग जाते हैं, अपनी टिप्पणी देने लग जाते हैं इन अ नेगेटिव वे, बट वो हमारी डिफ़ॉल्ट आदत है खिलाने की। तो आज इसमें नहीं दिखाया, सोच रही हूँ कि कैमरा लगाने से पहले इन्होंने मुझे खिला दिया था और मैंने भी इनको खिला दिया था, तो इट वॉज़ नेवर इंटेंशनल कि कैमरा लगाने की बात करना है ऐसा कुछ, बट कैमरा पहले से ऑन होता है वो इन द फ्लो चला जाता है। सो यहाँ पे तो दोपहर जो थी हमारी खाते पीते ऐसे ही निकल गई। अभी जो है अभिषेक को जो है वॉशरूम जाना था, तो जब भी जाना होता है वो अपने आप जाके नहीं आते हैं, मुझे बोलता है पहले आ रही है अगर, तो फिर मैं बोलती हूँ जाओ, तब जाता है। तो उसने निकर वहाँ खोल के डाल दी एंड जाता है,
और पानी वानी सब कुछ डाल डूल के आता है। हाय एवरीवन, अभी एक्चुअली 7 बज चुके हैं एंड डी मार्ट से शॉपिंग करने के बाद, खाना खाने के बाद, अभी तक मैंने कुछ अरेंज नहीं किया है। इससे बुरी तरह थक गई थी क्योंकि कल से ही थोड़ा मैं ऐसी थकेली हो रखी थी, तो इसलिए इतना ज़्यादा थकी कि मेरे को खाना खाने के बाद ऐसी लेटी और मुझे नींद आ गई। तो अभी उठी हूँ मैं एंड अभी हमको बाहर इसलिए जाना पड़ रहा है, कल मेरे हस्बैंड जो है ऑफिस से आते टाइम जो है 3 डिफरेंट सेमी वाइल्ड फिशेस लेके आए थे और पता करके लेके आए थे। हमारी फिशेस की फ़ोटोज़ भी शॉपकीपर को दिखाई थी कि दोनों का हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि थोड़ा बड़ा एक्वेरियम है तो फिशेस कम लग रही थी करके 3 और डाली एंड अनफॉर्चुनेटली जो नई वाली फिशेस है उसने एक जो फिश है उसके पंख काट दिए, क्या वो उल्टी हो रखी है, वो मतलब उल्टी हो गई थी दोपहर से हमने जब देखा, हमने भी नहीं देखा, आदित्य जब स्कूल से आया उसने बताया कि ऐसे उल्टी हो रखी है, तो उसके बाद से जब हमने देखा तो ऐसा लग रहा था कि वो मर जाएगी। एंड जो हमने नई फिशेस डाली थी उसको थोड़ा सा भी खाना डालो लेकिन एक्वेरियम बहुत गंदा हो रहा है, वो मतलब बहुत मोटू मोटे फिशेस है ना तो बहुत गंदा हो रहा है उनकी वजह से। इससे पहले जो फिशेस थी हम उसको इतना दाना डालते थे, दाना डाल के बैठने से पहले हम लोग बैठ के देखने के लिए सोचते थे, वो पहले ख़त्म हो जाती थी। ये थोड़ी स्लो है एंड गंदगी बहुत हो रही है एक्वेरियम में, तो मैंने साफ भी किया था बीच में और बहुत फ्रीक्वेंटली साफ करना पड़ रहा है, तो हमको पहले ही लगा था कि वापस दे के दूसरी लेके आते हैं घर से, और अभी जब दूसरी फिशेस उसको मार रही है तो इसलिए हमने कवर में दोबारा वो फिशेस डाल ली है, नई वाली रखी है, जो मोटू मोटू सी थी वो रख ली है एंड जो उल्टी हो गई थी वो भी रख ली है। अभी जाके चेंज कर देंगे, कोई और वाइल्ड फिशेस होगी तो वो ले लेंगे, और वाइल्ड फिशेस जो होती है थोड़ी और ज़्यादा एक्टिव भी होती है कंपेरेटिवली उन गोलू मोलू के, तो चलिए देखते हैं अगर कोई अच्छी फिशेस आई होगी तो ले लेंगे, वरना इनको दे देंगे पहले एंड जब आएगी तब ले लेंगे। एंड डी मार्ट से मैंने क्या क्या खरीदा है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत कुछ है दिखाने के लिए, इसमें दिखाना शुरू किया तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। सो हम यहाँ एक्वेरियम शॉप में पहुँच चुके हैं। एक तो जब शॉप में पहुँचते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, कौन से अपने एक्वेरियम में सूट करेगी, तो ये तो हमने लिए जो आपको सामने दिख रही है, इसके अलावा भी कुछ लिए जो मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी। तो ये वाली पहले सोचा लेने का, लेकिन जो हमने दूसरी दिखाई थी मैंने आपको वो भी इसी के जैसे थी, तो अभी हम घर पहुंच चुके हैं एंड जब भी फिशेस या कुछ लाओ तो बच्चे तो सुपर एक्साइटेड हो ही जाते हैं, तो सबसे पहले आदित्य बोला था मैंने डालना है, तो फिर मैंने उसको खोल के दिया तो 3-4 कवर में जो है दो 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 करके ऐसे लेके मतलब डाली थी, तो हम टोटल अभी 8 फिशेस लेके आए हैं, 8 नहीं टोटल मिला के अभी 8 है। हमने 7 फिशेस जो है वापस दे दिए जिनको वो वाइल्ड फिशेस जो है मार रही थी या नोच रही थी एंड ये वाले लेके आ गए हैं, तो अभी आपको लास्ट में मैं लुक दिखाऊंगी। तो अभी अभिषेक भी डाल रहा है एक बार, मतलब ऑल्टरनेटिवली डाल रहे हैं, कब एक बार वो एक बार ये, तो 4 पैकेट थे तो दोनों ने ऐसे करके डाल दिया एंड उसके बाद हमने बैठ के थोड़ी देर बहुत उनको सराह, वाओ कितना अच्छा लग रहा है, ये कितना अच्छा लग रहा है, वो देखो कैसे घूम रही है, ये देखो कैसे घूम रही है, तो ये जो चीज़ें हैं ना नेचर इसी को बोलते हैं, और हमको जो पागलबंदी चढ़ती है कभी तो हम पौधे खूब लगाते हैं या तो कभी हम मछलियां खूब खरीदते हैं एक्वेरियम के लिए, तो यही चलता रहता है। मेरे हस्बैंड को भी बहुत इंटरेस्ट है एंड मैं भी उनके साथ जो है इन चीज़ों में भागीदार बन ही जाती हूँ। तो यही था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बहुत ही कैजुअल बहुत ही रेगुलर व्लॉग एंड आपकी जो भी टिप्पणी है इसके ऊपर मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो अगर पसंद आया आज का व्लॉग तो एक लाइक तो ज़रूर चिपका ही दीजिए एंड शेयर भी कीजिए ताकि हमारी जो पागलबंदी है किसी और को भी थोड़ी थोड़ी चढ़ी जाए एंड सब्सक्राइब कीजिए अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।